अब मूली भी भुरभुरी हो जाएगी क्या? भुरभुरी हो उसको बल्ले और एक धूप लगा रहे हो, एक धूप समझते हैं आप, धूप में रखेंगे बलबल डाल के उनके बोतल में डाल के रखेंगे। मतली, अफारा, बदलमी, गैस, तजाबियत, सीने की जलन और प्यास का ना बुझना, क्या प्यास का खत्म ना होना, तो मुझे प्यास लगी है, पिए जा रहे पिए जा रहे, थोड़ा हो गई प्यास, ठीक है। पहले से बोलो मूली का, अब बनाना छोड़ दिया, ठीक। अब हाजमोला क्या है पता है आपको? बड़े शौक से पीते ना टैबलेट, अब मुंह में रखते हैं आपको, ठीक है। तो काला नमक और मूली का जायका आएगा आपको, क्या है इतने महंगी खरीद रहे हैं आप, वो खातिन करके बना के रखते, ठीक है। ये होगी ना बात, यहाँ आप ही बता आगे के साथ दूध के शहर कहाँ पड़ रहे थे आप भैया को बोलते दूध के साथ निजाम बढ़ के प्रवन का दर्द आगे आप पढ़ेंगे बेटा गोश से, गोश के बाद शहद, गोश के बाद शहद खाने से दर्दे मेगा कोलन का वो है लस्सी शहद प्याज बादाम बाहम बाहम मिलाकर रस भी ना खाने चाहिए। अंगूठा और दही के इकट्ठे इस्तेमाल से दर्दे मेगा का इस्तेमाल है। केले के साथ लस्सी पीने से दर्द मेदा और हैजा कौन है? गरम खाना के साथ दही खाने से दर्द मेदा हो सकता है। खिचड़ी के साथ खीर खाने से मर्ज कोलन का डर है। शहद और घी एक साथ खाने से कोलन के मर्ज का निशा है। बकरी के गोश्त के साथ पनीर खाने से दर्द मेदा का खौफ है। मुर्ग के गोश्त के साथ मूली खाने से अक्सर नुकसान होता है। सर ये सारी बातें तो सर ये सारी बातें तो हो रही हैं यहाँ पे जो मैं अपनी अपनी जान पर गुजार चुका हूँ। क्या आपका नाम दाती है? जो मैं अपनी दास पर बिगड़ चुका हूँ वो है। सर ये कोलन जो होता है ये असल में किस चीज की वजह, ये दर्द किस चीज की होती है? पसलियों के तो हुई ना कि पसलियों के अंदर ये गैस का गुदा तो यानी कि पतली हुआ है, ये क्रिएट पतली नहीं होती है, फिल्ट्रेशन बंद हो जाती है, गैस ही हो जाता है, गुर्दे में गैस आ जाती है तो वो वोमिट नहीं कर पाता, वो गैस निकलेगी उन बारीक बारीक जो नसें हैं उनमें से खराज होगा उसका तो पंपिंग करेंगे। उसमें भी बादाम और शहद मिक्स होता है, इकट्ठा होता है। एक शहद बनता है चीनी से, एक शहद बनता है मक्खी से, क्या डाली फूल फूल पात पात से वो लेकर आती है तो शायद कुदरती अमल से बनता है, ठीक है। और एक चीनी से बनता है, बन रहे हैं बासी। और एक शहर और है, एक और मसूर जी का भी याद हो गया, वो क्या है कि मुख्तलिफ जखीरों में जखीरे समझते हैं जहाँ दरख्त और पेड़ बहुत ज़्यादा हों वहाँ पिंजरे रखती हैं और साथ ही गुड़ रख दिए गए,
क्या वो मसनूई, वो मसनूई तरीका है क्या? ठीक है, शहर तो है मसनूई। अब उसमें 50% चीनी है जो बन रहा है, असली शहर की पहचान आपको बता दूंगा। पहली तो बात ये कि आप जब टीवी पर बनाएंगे उसकी तार बनेगी क्या? तार टूटेगी नहीं, ये सौर तार बनेगी। जब हम कोई चीनी का कुछ बना रहे होते हैं, ठीक है, चाट वगैरह, क्या कहते हैं, एक तार पे, दो तार पे, क्या कहते हैं, वो शहद से निकली है, एक तार शहद की बनती है, चीनी को इतना गाढ़ा कर दो कि तार बन जाए, क्या तार बन जाए, बात समझे ना, वो उससे आई है, ठीक। और दूसरा शहद को आग लगती है, शहद को आग लगती है, असल शहद रुई पे लगाए और आग लगाए तो शहद जल जाए, रुई में जल जाए, समझिए बात। ये जनाब और ये बैठ के कभी आपने ये सुना, बहुत पुरानी सदियों का आवाज है कि घी के जनाब मिलाए जी, तो सारे है ना, ठीक है। अल्लाह ने इतना हुक्म दिया कि शहर के चिराग जलाए, इतना हुक्म बरसा कि उन्होंने शहर के चिराग जलाने शुरू कर दिए। हुक्म बरसना क्या होता है? तो यार तेल से घी के छोड़कर शहर के चिराग जलाने शुरू कर दिए, इतना हुक्म बरसा। तो इन कहावतों से क्यों पुरानी कहावतें हैं, कुछ अखज कर दिया करें आपको सर, वो जिसने आगे कुत्ते और शहर नहीं पड़ता है आगे बात जाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बंदा जो पले पले राम भाई को बंदा जोड़े पली पली राम बाहर कुप्पे पड़ोपे पड़ोले सुना पहले जो पैमाने थे ना, क्या थे वो लीकवर के पैमाने क्या थे? पलियां, पलियां, तेल के, सैयाद मादे के क्या पैमाने थे? पली। अभी भी कहीं किसी कस्बे में आप जाएं तो कटोरी बनी होगी, उस पर डंडी लगी होगी, तेल की तरह से उसे पली निकाल रहे, छोटी पली, बड़ी पली, ठीक है। और आप मुल्तान में जाएं, धनिया का तेल कुपे में मिलेगा आपको, किसमें? छोटी कुपे बड़े छोटी पली टूपी कुपा, बात समझिए। अब कोल में तेल निकल रहा है क्या? ठीक है, बंदा है जो लगा बजाय कोल का बैल चला हुआ है, अब वो पलियों के नाम से तेल निकल रहा है, वो पली पली करके जोड़ रहा है क्या? कचरे कर रहे हैं ना कोल में तेल के, पली पली निकल रहा है, ठीक है। उसे सारे दिन मेहनत की तो एक कुप्पा तेल हासिल हुआ क्या? ठीक है, अब एक पाव की कुप्पी है क्या है? ठीक है, एक छांक की पड़ी है, बात समझे आप, 16 छांक इकट्ठा हुआ तो एक कुप्पा बना, बरा ठीक। उस बेचारे ने पली पली करके दिन भर में ठीक है। मैं गवर्नमेंट था, आप साहब हैसियत थी, ठीक है। अब आपने चौकाटे समझते दरवाजे बरूमा पंजाबी तेल जमा बरूमा दे, कभी सुना है? नहीं सुना तेल वो सिंगो भाई पंजाब में बैठा तो दोनों कहानी बना रहा कि तेल जो अब कोई आया घर में मैं